दास रणजीत सिंह विद्यार्थी दमदमी टकसाल मुख सेवादार सिख यूथ फैडरेशन भिंडरवाला तो अज किसी पापी ने किसी दुष्ट ने साडे धर्म के उत्ते हमला किया श्री दरबार साहब के अंदर वड़ के उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करनी चाहिए पर मौके के उत्ते संगत ने काबू कर लिया तो इतने श्रोमणी कमेटी के दफ्तर के इन्नी कुटमार हुई कि अज मैनेजर के दसण अनुसार मैनेजर गुरिंदर सिंह मथरेवाल उन्होंने दसण अनुसार वो जो बंदा आ वह मर चुका आ तो संगत ने इस फैसले में जी प्रवानगी आती आ क्योंकि जे यही बंदा पुलिस के हवाले कर दिता जाता तो पुलिस ने थोड़े दिनों बाद मानसिक रोगी कह के उन्होंने छड़ देना सी पर संगत की यह मंग सी कि यह बंदे के दुष्ट के टुकड़े टुकड़े करके श्री अकाल तख्त साहब के पहलवान श्रोमणी कमेटी दसेगी क्योंकि पहला बंदा उन्होंने हवाले रहा है उन्होंने कुटमार करके बकाया होगा पुलिस के अंदर जो हरपाल सिंह ADCP वह भी अंदर से पर मैनेजर के दसण अनुसार जो बंदा है वह मर चुका है संगत की भी यह मंग सी कि वह टुकड़े टुकड़े करके तो दरबार साहब के बाहर प्रदर्शनी लाई जाए पता लगे कौम को कि साडे धर्म उत्ते किसी ने हमला किया सी ते सिंघा ने 18वीं सदी वाली जी सजा है वो उन्होंने दी है जमानत हो चुकी महिंद्रपाल बिट्टू सिंघा ने जेल सजा दी थी अज इसे तरह श्रोमणी कमेटी के दफ्तर बंदे जी सजा आ दी गई है जिन्ना चिर तक खालसा रवायत अनुसार ये पापी नहीं झटकाए जाएंगे उन्ना चिर तक बेअदबियां होंदिया रहणगियां सो इसे तरह ही हरेक सिख अपना जो फर्ज आ वह पहचानना चाहिए तो पापी ने जी सजा इसे तरह ही देनी चाहिए है।